ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਜਵਾਕੜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਰੇ ਸੀ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਜਾ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਨਾ वड्डी खबर सामने आ रही है पटियाला शहर तो जिते फैक्ट्री एरिया दे एक हस्पताल विच औरत की मौत हो जाने तो बाद परिवारक मैंबरों वालों हंगामा किया गया रोंदे कुरलाउंदे है परिवार बेबस है परिवार इस परिवार की हालत वेख के तुसीं अंदाजा लगा ही सकते हो कि किस तरह का दुखा का पहाड़ इस परिवार से टुटिया है मृतका के पति का कहना सी कि वह अपनी पत्नी नूं बच्चेदानी विच रसोली दे ऑपरेशन लई इस हस्पताल विच लेके आए सन जिथे डॉक्टर वालों ऑपरेशन तो कर दिता गया पर उस तो बाद उन्होंने पत्नी की मौत हो गई उन्होंने कहना सी कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते ही यह घटना वापरी है लगते हैं जी मेरी वाइफ ने मैं उन्होंने इतने ऑपरेशन के लिए लिखा है बच्चों ने रसोलियां तो असं इन्हों दिखाया से पहला तीन दिन पहला कहें भी असं ऑपरेशन कर देंगे थोड़ा तो तुम आ जाओ कोई गल नहीं तो मैं क्या ठीक है जी सर असं मैं किन्ने बजे आइए कहना तुम 3 बजे थोड़ा ऑपरेशन कर देंगे डॉक्टर साहब को टाइम ले लिता असी 10 बजे तक सवेरे आ जाओ मंगलवार दिन असं सवेरे 10 बजे इतने पहुँच गए हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के लिया के फ्रैश उस बाद कहें भी तुम 3 बजे असं ऑपरेशन करा लेकिन 3 बजे थान के उत्ते शामी 6 बजे तो बाद ऑपरेशन किया जी शामी लेके चले गए जो तो डॉक्टर साहब ना गल हुई थी कि मरीज नु ये प्रॉब्लम है कुछ हाँ असि डॉक्टर साहब का कहना कि वो ICU ते पाया गया जी जी ते उन्हां नु की है कहंदे भी असि ऑपरेशन करदे हां उन्हां दवाई रिएक्शन कर गई साडे कोल कोई दवाई की कोई दवाई रिएक्शन कर गई डॉक्टर वालों जेड़ा हरमेश सिंह मल्ली है डॉक्टर आपने HS मल्ली एनेस्थेटिक ने उन्होंने मैंने कहा भी असि इंजैक्शन लगाए थे इन्हां दे वो रिएक्शन कर गए फिर रिएक्शन करन तो बाद छाती विच पानी भर गया है भी असि वेंटीलेटर के उत्ते पावांगे नाले पानी कढ़ांगे इन्हां दा असी ते उस तो बाद की कहिंदे कि असी 24 घंटे रखांगे वेंटीलेटर के उत्ते तुहानू फिर दस्सांगे उहदी की कंडीशन है तुहानू कितने बजे मैसेज दित्ता गया कि मरीज की डैथ हो गई सर तकरीबन 3:30 बजे का टाइम सीगा जी दुपहरे आज की लगदा तुहाडी इहदे अणगहिली नाल होया सर अणगहिली करके होया जी अणगहिली करके होया क्योंकि 1:30 बजे मेरी मिसेज ने कहे मैनूं बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है इन्होंने गौर नहीं किया है ये कहते भी कोई नहीं पेंट वगैरह कोई इंजेक्शन लग रहा है वो करके हो रहा है सर मैं चाहना जी इस कार्रवाई की जानी चाहिए है जो साडे नाल होया जो साडे नाल होया किसी होर दे नाल ना होवे सर हम असं कंप्लेन तो कर रहे हैं जी देखो पंजाब पुलिस हैगी है साड़ी हेल्प करेगी ऐसी गल नहीं गरीब बंदे की है गरीब बंदे की हेल्प करन की करेंगे मैसेज तो यही देना कि मैं हस्पताल बंद होना चाहता क्योंकि इन्होंने कि देखो की है कि जो भी इन्होंने घंटे दो घंटे बाद इन्होंने यही कहते पैसे जमा करा दो जी पैसे जमा करा दो जी कितने अमाउंट जमा की गई तुम्हारे वालों सर मैं तकरीबन 30,000 रुपये जमा करा चुका है जी 30,000 टोटल बच्चे दवाइया वगैरह कभी दवाइया हो गई जी कभी कुछ ले दिता कभी कुछ जी ये पैसा जमा करा दो जी ये जमा करा दो जी मैं जिम्मे जिम्मे कहते कि मैं जमा कराई गया जी उस टाइम उधर हस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि मरीज की मौत डॉक्टर की अणगहली करके नहीं सगो कुदरती कारण करके हुई है करीब 6 बजे वेंटीलेटर लगा दिता गया मरीज 6 बजे तो लगे 2:30 बजे तक बिल्कुल ठीक से 2:30 बजे कुदरती दिल का दौरा पाया जिस कारण उनकी डेथ हो गई बाकी जो ट्रीटमेंट एक्सप्लेनेशन पेशेंट पार्टी को चाहिए ने तो अभी मेडिकल बोर्ड में जस्टिफाई कर देवे पेशेंट की कंसेंट तो बाद ही अवतार सिंह पति का नाम है हरेक ऑपरेशन तो पहले कंसेंट ली जाती है राजामंदी ऑपरेशन की राजामंदी जिस मरीज में सारे दसे जाते हैं कि उस ऑपरेशन के की कॉम्प्लीकेशन हो सकती है वो पेशेंट ने पार्टी ने साइन की सभी इस ऑपरेशन में कोई गलती नहीं है जो भी हुआ है बड़ी मनभावी घटना हुई है असं नहीं चाहते कि सा मरीज साढ़े तो दूर हो मेडिकल मरीज है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗਿਆ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰੂੰਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਬੋਡੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ICU ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕੀ ਆਈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ हांजी बिल्कुल सानू हुणे इनफॉर्मेशन मिली सी लेडी जो जिसकी उम्र करीब 48 साल आ जो इत्थे दौरान इलाज सी ते उन्हां दी इलाज दौरान मौत हो चुकी है ते परिवार वालों डॉक्टर मेयर हस्पताल दे डॉक्टर इन्हां ते एलीगेशन लाए जा रहे हैं भी जे डॉक्टर दी अणगहली नाल मौत हुई है इहदी लेडी दी असीं परिवार को समझाया भी जो भी लीगली आप चल के बयान सानू लिखाउणगे ये जो भी परिवार लिखाऊगा तो चीफ मैडिकल अफसर तो दरखास्त दे के पैनल बनाया जाऊगा इहदा जो पैनल तो अपना इहदा पोस्टमार्टम करा के जो भी बनदी कानूनी कार्रवाई हो जो मैडिकल बोर्ड का पैनल सानू रिपोर्ट देगा उसके आधार पर डॉक्टर से या होस्पिटल से बनदी कानूनी कार्रवाई की जाऊगी डॉक्टर नाल गलबात हुई है कि कहते ने डॉक्टर का वर्जन असीं लिया नहीं हजे तो हजे जस्ट अपना जो भी बॉडी शिफ्ट करा रहे हैं राजेंद्र हॉस्पिटल उस तो बाद जे लोड पई तां डॉक्टर का भी वर्जन गल करिए परिवार वालों की तुहानू बयान लिखाएंगे कि हजे परिवार ने कुछ नहीं बयान लिखाया जी परिवार बॉडी शिफ्ट करा के हुण इदों मगरों बॉडी तो बाद असीं उन्हां दा परिवार का बयान लिखांगे अगर डॉक्टर कल भाजी दोषी साबित होंदा कोई कार्रवाई होएगी बिल्कुल जी बिल्कुल होगी जो मैडिकल बोर्ड सानू रिपोर्ट देगा मौत के कारण संबंधी भी जे अणगहली पाई जाती है तो बनती कानूनी कार्रवाई की जाए फिलहाल सर परिवार वालों ने की आश्वासन दिता गया परिवार साढ़े नाल सानू बयान लिखा रहे हैं जिम्मे भी परिवार चाहूगा असं परिवार के मुताबिक ही चलना